अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जितने मेरे भाई हो, जितने मेरे बहनों हो, जितने भी ट्रेडर्स आते हैं, सब खैर आफियत से होंगे। हैव अ ब्लेस्ड फ्राइडे टू एवरीवन। अच्छा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज के ट्रेड की तरफ आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कल बहुत अच्छा दिन गया हमारा, बहुत अच्छी ट्रेड्स मिली हमें। बाइंग साइड जा रही थी, प्राइस लेकिन हमने सेल साइड ली और बहुत अच्छा हमने जो है फैसला लिया और उस फैसले पे हमें अच्छा एक प्रॉफिट हुआ। अच्छा, अभी की सिनेरियो क्या बता रही है प्राइस? आज के दिन में जो भी ट्रेडर हजर आते हैं, अगर अभी ट्रेड कर रहे हैं तो अभी से लेके 5:30 बजे तक अपनी ट्रेड क्लोज कर दें, क्योंकि 6:30 बजे के बाद मार्केट काफ़ी फास्ट हो जाएगी। मार्केट में न्यूज़ हैं, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है, कैनेडियन अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है, डॉलर अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है, तो जिसकी वजह से हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। तो मार्केट जो है उन न्यूज़ों में आप लोग को जो है ट्रैप देगी, और ट्रैप की वजह से काफ़ी सारे लोग नुकसान कर सकते हैं। मैं इस वक्त अभी अवेलेबल नहीं हूँ मार्केट, मतलब आप लोग को बताने के लिए क्यों अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा उस वक्त, क्योंकि मैं वेबसाइट पे काम करवा रहा हूँ और वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लग रहा है उस पर। अगर उस पर इतना टाइम नहीं लगता तो सारी चीज़ें आप लोग को मैं बता रहा होता। आज के दिन जो भी प्राइस में उस टाइम मूवमेंट आ रहा होगा तो मैं उस पर, जितने भी लोग के अक्सर जैसे न्यूज़ के टाइम पर काफ़ी सारे लोगों का फ़ोन आ रहा होता, तो मैं उस टाइम फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा क्योंकि मैं उस वेबसाइट की कामों में लगा हूँ। तो ये कुछ सिनेरियो मैंने आपको बता दिए कि उस वक्त आप लोग थोड़ा अवॉइड करिएगा मार्केट को। उस अगर कोई न्यू ट्रेडर्स हैं या न्यूज़ पे काम करने वाले हैं, जो भी हैं, थोड़ी देर बाद, आधे एक घंटे बाद मार्केट में एक थोड़ा इम्पैक्ट आ जाए, एक मूव आ जाए, उसके बाद मार्केट में एंटर होइएगा तो वो आपको एक अच्छा मूव मिलेगा। अच्छा, अभी का सिनेरियो क्या बता रहा है गोल्ड? अभी का सिनेरियो ये बता रहा है गोल्ड, मैंने आपको एक लाइन लगाई हुई है इस एरिया में 1793 पे, 1792, 1793 का एरिया। ये एरिया ब्रेक करता है गोल्ड, यहाँ से हम बाय लेंगे, ऐसा होगा हमारा 1789 और टेक प्रॉफिट होगा हमारा 17, टेक प्रॉफिट होगा हमारा पहला 1797 और दूसरा टेक प्रॉफिट होगा हमारा 1800 का। सही है, 1800 में हमें अपनी बाइंग की ट्रेड क्लोज कर देनी है। यह हमारी बाइंग की अभी करंट ट्रेड्स होंगी। अच्छा, 1800 ब्रेक होता है तो उसके बाद भी हमें एकदम से बाई नहीं लेनी है। 1805 ब्रेक होगा तो उसके बाद हम बाई में बैठेंगे और बाई का हमारा टारगेट होगा 1813 to 1815 का। ये मैंने आपको सिनेरियो बता दिया कि बाइंग का क्या सिनेरियो बनेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हमने किस किस लेवल से ट्रेड क्लोज करनी है। यार बड़ी अच्छी ट्रेड थी, 91 से थी, वीडियो बनाते बनाते 20 पे ऊपर मार्केट निकल गया, वरना एक अच्छा मूव मिल जाता ये। अच्छा, अभी क्या सिनेरियो? एक तो ये सिनेरियो हो गया, न्यूज़ के टाइम मुझे ऐसा प्रेडिक्ट हो रहा है कि प्राइस जो है, प्राइस बाइंग साइड पे जाएगी और बाइंग साइड पे जाके जो है, क्योंकि प्राइस ने थोड़ा बहुत तो सेलिंग का ट्रेंड बनाने जा रही है, जैसे कल बनाने जा रही थी और फिर सेल का एक मूव दिया, वैसे अभी भी ट्रेंड बनाने जा रही है सेल का, और हो सकता है एक बड़ा सेल का मूव दे दे मार्केट आज न्यूज़ के टाइम पे। तो हम लोग ज़्यादा परेशान नहीं होना, ज़्यादा जो है एक जज्बाती एक्साइटेड नहीं होके ट्रेड करिएगा, रिलैक्स होके कीप काम एंड रिलैक्स होके ट्रेड करिएगा, उसमें आप लोग को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप लोग जज्बात में आके एक्साइटेड होके ट्रेड करेंगे या बड़ी लॉट यूज़ करेंगे तो यार लॉस और लॉस, सिर्फ लॉस होगा। सही है। अच्छा, तो ये कुछ सिनेरियो थे, ये कुछ सिनेरियो बन रहे हैं, मैं आपको H4 में दिखाता हूँ। H4 में कोई एक ये सिनेरियो बन रहा है कि प्राइस जो है यहाँ पे बाइंग साइड में आएगी 1800 तक, और हो सकता है 1805 तक आए, वहाँ से प्राइस जो रिवर्स होगी तो फिर प्राइस अपना एक नया लो बनाने जाएगी, जो कि चार्ट जिस तरीके से हमें इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे अपना हायर हाई बनाया था, उसके बाद हायर लो बनाया था। सही है, लेकिन जब प्राइस अपसाइड गई तो प्राइस एक नया हायर हाई नहीं बना सकी। सही है, प्राइस ने एक नया हायर हाई नहीं बनाया, लेकिन एक नया लोअर लो बनाया, प्रीवियस हायर लो तोड़ के एक नया लोअर लो बनाया, और उससे प्रीवियस भी जो हायर लो था उसको भी ब्रेक करके एक नया लोअर लो बनाया, जिसने प्राइस ने हायर हाई, हायर लोज, लोअर हाई, लोअर लोज का उसने साइकिल कंप्लीट करके हमें एक सेलिंग की इंडिकेशन दी है। प्राइस ने ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन ट्रेंड ने, प्राइस ने हमें ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन दी है कि स्टार्ट हो सकता है बाइंग
सेलिंग ट्रेंड, सही है। तो ये कुछ आज की ट्रेड्स थी, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबी करते हैं तो मज़ा नहीं आता व्यूअर्स को, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके अलावा वेबसाइट बनने जा रही है भाई, सब लोग रेडी रहना, इस हफ्ते एक हफ्ते में इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बी एक्टिव, बी रेडी एंड स्टे अटेंटिव, सही है। बाकी सब अपना ख्याल रखिए, अपने जितने भी गिरदनावा में लोग हैं उन लोगों का भी ख्याल रखिएगा आप लोग, और फिर अल्लाह हाफिज़।